हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन की कुछ कुर्तीज़। तो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि दी प्लीज़ अमेज़ॉन से कुछ कॉटन कुर्तीज़ हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड मोर ओवर उनकी प्राइस होनी चाहिए 500। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट और हम पूरी ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो फाइनली मैंने शॉपिंग की है अमेज़ॉन से और 4 कुर्तीज़ मैंने कॉटन की सेलेक्ट की है 500 के अंदर अंदर, एंड दे आर लिटरली वेरी स्टाइलिश एंड गुड लुकिंग। एंड कॉटन फैब्रिक भी ऑल नो कि यार कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है, कोई भी सीजन में पहन सकते हो, बहुत अच्छा रिच लुक आता है। चलिए फटाफट से मैं सारी कुर्तीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ट्राई ऑन मैंने ऑलरेडी करके देख लिया है, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत स्टाइलिश लग रही थी। एंड या गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक रहेंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। सो या गाइस, विदाउट फर्दर इंडू, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। एंड गाइस, जो फर्स्ट कुर्ती है वो है ब्रांड ग्लैम रूट से, और आप ये देख सकते हो इसका कलर बहुत ही प्यारा सा पीच कलर है। एंड मोरओवर गाइस, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको मिलता है राउंड नेक, पीछे भी आपको राउंड नेक मिल जाता है, 3/4 है इसकी स्लीव्स, एंड पूरे ओवरऑल कुर्ती में आपको इस तरह की बूटियाँ मिल जाती है, जो फिरोजी कलर है उससे ये बूटियाँ बनाई हुई है। और साइड में आपको इस तरह की एक डोरी मिलती है, दोनों साइड में आपको डोरी मिल जाती है, वो भी फिरोजी कलर की, और इस तरह के टेसल्स दिए हुए हैं दोनों साइड में से दिस। तो इसके पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है इन डोरियों का। तो फ्रंट में गाइज आपको यहाँ पे सारे बटन्स मिल जाते हैं, एंड दे आर नॉट ओपनेबल लाइक नॉर्मल, इसी तरह से डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से ही ये बनाए गए हैं। तो ये है कुछ ए लाइन की कुर्ती, स्ट्रेट फिट है ये पूरा, एंड पहनने के बाद काफ़ी प्रिटी लगी थी आप देख सकते हो। एंड जो फैब्रिक है दैट इज़ प्योर कॉटन, एंड साइज जो मैंने पिक किया है दैट इज़ मीडियम, एंड जो मेरा पर्टिकुलर साइज है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हाइट है मेरी 5'3". तो पीच और फिरोजी कलर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम कुर्तीज़ में देखने को मिलता है। तो ये है मेरा फर्स्ट परचेज। एंड जो सेकंड कुर्ती है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, अगर आप अपने ऑफिस पर्पज से, कॉलेज के लिए, या आप नॉर्मल घर में पहनने के लिए भी कॉटन कुर्तीज देख रहे हो ना, दिस इज रियली सुपर्ब, से दिस। इसका जो ब्रांड है गाइस दैट इज अंजू श्री चॉइस, इसकी अंजू श्री की शायद मैंने एक दो कुर्ती पहले भी मंगाई हुई है, काफी अच्छा फैब्रिक आता है इसका। तो यह है कुछ ओवरऑल कुर्ती का पैटर्न, आप देख सकते हो नेक आपको मिलता है कॉलर पैटर्न के अंदर, 3/4 इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के साइड में इस तरह की डिजाइन दी हुई है, फोल्डेबल डिजाइन है, यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है। बाकी ओवरऑल कुर्ती के अंदर आपको इस तरह के डायमंड शेप्स बने हुए नजर आ जाएंगे। एंड इस जो फैब्रिक है गाइज, इसके अंदर आपको सेल्फ के अंदर थ्रेड से पूरा काम किया हुआ, आप देख सकते हो इस तरह से, ये पूरा थ्रेड है, प्रिंट नहीं है, फील जब आप इसको टच करोगे तो आपको फील होगा, ये पूरे ओवरऑल कुर्ती में, फ्रंट में, बैक में पूरा इस तरह से थ्रेडिंग का काम किया हुआ है। एंड दिस इज स्ट्रेट फिट कुर्ती, साइड में आपको इस तरह की स्लिट मिल जाती है, दोनों ही साइड में यहाँ पे स्लिट है, तो पहनने के बाद काफ़ी स्लिम लुक आता है इस तरह की कुर्तीज का। एंड फ्रंट में गाइज आपको इस तरह की दो पॉकेट्स मिल जाती है, 1 और 2, तो पॉकेट्स नॉर्मल ऐसे ही है, कोई पॉकेट वगैरह नहीं बनी हुई है, नॉर्मल इसकी डिज़ाइन ही है। तो इसको नॉर्मल आप अपने वाइट प्लाजो के साथ, ब्लू प्लाजो के साथ, एंड मोरओवर आप अपनी डेनिम के साथ भी इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्रिटी सा इसका लुक आया था। नॉर्मल आप कोई भी आउटिंग वगैरह पे जा रहे हो, समर्स में तो यार वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, तो आउटिंग पर्पज से कॉलेज एंड ऑफिस के लिए बहुत सुपर पीस है ये। फैब्रिक तो प्योर कॉटन है, बट इसके नीचे आपको स्पैगेटी पहननी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज की कॉटन फैब्रिक है एंड वाइट इसका कलर है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, तो वाइट कलर की स्पैगेटी आप इसके साथ कैरी कर सकते हो। सो या, ये है कुछ इस तरह का ओवरऑल लुक। पहनने के बाद मुझे काफी प्रिटी लगा था, मैंने अपने ब्लू पैंट के साथ इसको कैरी किया था, काफी अच्छा लग रहा था, मैं डेनिम के साथ भी जरूर से इसको ट्राई करूंगी। एंड गाइज, जो नेक्स्ट है दैट इज दिस वन, ये है ब्रांड अमायरा से, एंड आई डोंट नो कि इस कलर को लेकर मैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड कैसे हो गई हूँ। मैं कभी भी शॉपिंग करती हूँ ना, मेरे को अगर ये इंडिगो कलर दिख जाता है मैं जरूर से पिक करती हूँ। पहनने के बाद गाइस काफी अच्छा लगता है। तो ये है कुछ इसका ओवरऑल लुक। नेक मिल जाता है आपको राउंड, एंड पूरे राउंड नेक पे इस तरह की पाइपिंग दी हुई है लहरिया पैटर्न में, और यहाँ पे नेक के फ्रंट साइड में भी यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग दी हुई है, और छोटे छोटे से जो बबल्स बटन आए हुए हैं वो लगाए हुए हैं, और स्लीव्स में भी आपको गाइज इस तरह की जो लहरिया पैटर्न होता है उसके अंदर इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है। फैब्रिक है इसका प्योर कॉटन, एंड कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, इस तरह की पूरे ओवरऑल कुर्ती के अंदर बूटियाँ बनी हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पैटर्न मुझे। बहुत सिंपल सोबर सी ये कुर्ती है, स्ट्रेट फिट ये कुर्ती है, दोनों साइड में आपको स्लिट मिल जाती है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी नॉमिनल प्राइस है इसकी है, एंड इसके नीचे भी आपको इस तरह का बड़ा सा ब्रॉड बॉर्डर मिल जाता है, से दिस।
फ्रंट में भी इस तरह का बॉर्डर है और बैक साइड में भी इस तरह का बॉर्डर है. से दिस फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको बॉर्डर मिल जाता है. तो मैंने ये अपने व्हाइट पैंट के साथ इसको कैरी किया है. आप अपने व्हाइट प्लाजो वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हो एंड आप अपनी डेनिम के साथ भी इसको पहन सकते हो. बहुत ही प्रिटी ये लुक देगा. सो फैब्रिक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कॉटन फैब्रिक है. सारे कॉटन फैब्रिक की कुर्ती है 100%. कोई भी कुछ भी मिक्स नहीं है, ना रेयन मिक्स है, ना कोई क्रैप मिक्स है, कुछ भी मिक्स नहीं है इनके अंदर. तो ये काफी स्मार्ट पीस है ये वाला भी. तो गाइज जो नेक्स्ट पीस है वो है ब्रांड पलाक से. आई थिंक पलाक पता नहीं क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे. एंड साइज जो मैंने पिक किया है दैट इज मीडियम. और ये है कुछ इसका कलर कॉम्बिनेशन. आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी सा कलर है, ग्रीन एंड ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है. फ्रेंच नेक के साथ काफी प्रिटी ये कुर्ती है. फ्रंट में आपको इस तरह के सारे बटन्स मिल जाते हैं नीचे. तो ये जो बटन्स है ओपनेबल नहीं है, ये नॉर्मल शो के लिए लगाए गए हैं ऐसे ही. 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाती है विथ फोल्डेड पैटर्न और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है. काफी अच्छा प्रिटी लुक आता है ऐसे स्लीव्स के साथ भी. एंड ये है फुल ए लाइन कुर्ती. साइड में आपको स्लिट नहीं मिलती है बट इसके फ्रंट में आपको इस तरह की स्लिट मिल जाती है. एंड यहाँ पे जितने भी बटन्स है वो पूरे नीचे तक आ रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ तक ये पूरे यहाँ पे बटन्स आपको मिल जाते हैं. और फ्रंट स्लिट है तो काफी प्रिटी लुक आता है इसको पहनने के बाद भी. तो ये भी एकदम नॉर्मल सा कुर्ता है बट पहनने के बाद काफी अच्छा लग रहा है. आप ट्राई ऑन में देख रहे होंगे. तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ लाइक आप इसको डेनिम के साथ भी वेयर कर सकते हो, व्हाइट प्लाजो वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हो, ब्लू अगर कुछ है आपके साथ पैंट या प्लाजो उसके साथ भी डाल सकते हो. तो काफी अच्छा मुझे ये पैटर्न लगा. एंड मोर ओवर गाइज इसके साथ आपको मिलता है साइड पॉकेट. सी दिस, काफ़ी अच्छा रहता है कुर्ती में अगर पॉकेट हो तो हमारा फ़ोन वगैरह रखने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है. सो गाइज ये है कुछ इसका ओवरऑल लुक. आई थिंक आपको ट्राई ऑन पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा. सो या गाइज ये थी मेरी चारों कुर्तीज़ जो मैंने परचेज़ की है अमेज़ॉन से. बहुत ही नॉमिनल प्राइस की है, फैब्रिक वाइज काफ़ी अच्छी है. सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए. फैब्रिक की बिल्कुल टेंशन नहीं है, 100% कॉटन है. एंड प्राइस तो वी ऑल नो कि काफ़ी नॉमिनल है, 500 के अंदर अंदर है. तो यार क्या लेंगे अभी 500 में. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. कोई भी तरह के डाउट्स है कॉमेंट्स है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.